मेरे त्रिप्रासा वॉरियर्स, YTF वॉरियर्स, बुरुई बदल, TWF वॉरियर्स, TISF वॉरियर्स, अब असली परीक्षा होगा, अब इंतहाम होगा, क्योंकि जो लोग 2 साल से बोलते रहे थे ग्रेटर त्रिपुरा लैंड, त्रिप्रासा दोफा आयुक लोकथोंग, बुबाग्रा आयुक लोकथोंग, अब हमको देखना है कि इलेक्शन अब सिर्फ 1 महीना से थोड़ा ज़्यादा दूर है। अब हमको मालूम पड़ेगा कि कौन दोफा के साथ है या कौन अपने टिकट के लिए फाइट कर रहा है। बहुत लोग जिनको टिकट नहीं मिलेगा वो लोग ग्रेटर त्रिपुरा लैंड का बात बोलना छोड़ देंगे, वो लोग दोफा के बारे में बात बोलना छोड़ देंगे और वो लोग एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जाने की कोशिश करेंगे। मुझे कुछ चिंता नहीं है, मैं जानता हूँ कि पब्लिक तिपरासा जो आम जनता है वो मेरे साथ है, और जब तक हमारा तिपरासा मेरे साथ है मुझे इस ऐसे लोग ऐसे नेता का कुछ चिंता नहीं है। आप रेडी हो जाओ, ये फाइट हमारा लास्ट फाइट है। हम लोग जीतेंगे या मरेंगे लेकिन इस बार अपना पोजीशन क्लियर करेंगे। इस बार ये फाइट हमारा 13 लाख तिपरासा को जस्टिस देने का है। ये फाइट आखिरी तक जाएगा जहाँ में हमें अपना राइट्स को बचाना है, अपना कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार को वापस लेना है। बहुत दिन तक हम लोगों को बहुत दिन से दबाया गया है, अब हमारा चांस है। फिर से लीडर्स लोग इधर उधर जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप उन लीडर को पूछना, 2 साल तक आपने ग्रेटर तिपरलैंड क्यों बोला? 2 साल तक आपने बुबाग्रा आइक लोकथोंग, तिपरासा दोफा आइक लोकथोंग क्यों बोला? और आज क्योंकि टिकट नहीं मिल रहा है आपको, या आपको लगता है कि कहीं और में ज़्यादा पैसा है, तो आप दोफा को छोड़कर कोई और पार्टी में जा रहे हो। ये सवाल आप उनसे पूछना। तिपरासा इतना बेवकूफ़ नहीं है, तिपरासा सब जानता है कि कौन अपने ज़मीन के लिए, अपने राइट्स के लिए फाइट कर रहा है और कौन अपने स्वार्थ के लिए फाइट कर रहा है। बेलाइनो हम्बाई, बोबाग्रा विशेज यू ऑल द बेस्ट।